डार्क स्किन और सांवले बंदों के ऊपर किस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं, प्लेन या फिर चेक्स? क्या हमारे स्किन टोन के साथ ये कलर सूट करते हैं या फिर इसमें हमारा स्किन टोन और भी ज़्यादा डार्क दिखता है? देखो, अगर आप सही से ड्रेसिंग कर रहे हैं, सारे फॉर्मल ड्रेसिंग रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, ये सब करने के बाद भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते जब तक आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो कि है ग्रूमिंग। देखो, डार्क स्किन और सांवले बंदों पर हर तरह के कपड़े सूट करते हैं, चाहे वो कैजुअल हो या फिर फॉर्मल। कोई भी कपड़े आप पर तभी सूट करते हैं जब आप उनको सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ पहनते हैं, ना कि इस तरह के गलत कॉम्बिनेशन के साथ। सो आज के वीडियो में मैं डार्क स्किन और सांवले बंदों के लिए बेस्ट फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स और रूल्स बताऊंगा, जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका स्टाइल गेम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। देखो, अगर आप अपने फॉर्मल कपड़ों को अच्छे से पहनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लासी दिखोगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो किसी की शादी हो, आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी भी फॉर्मल इवेंट में। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट कैसे पहनते हैं तो आज के वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पैंट्स के बारे में। पैंट्स में आपको प्लेन फॉर्मल पैंट्स ही खरीदनी है, जो कि बहुत से शर्ट्स के साथ इजीली मैच हो, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू। ये तीन कलर्स ऐसे हैं जो कि आपके पास स्टार्टिंग में होने ही चाहिए। पैंट के कलर के बाद आपको ध्यान देना है उसकी फिटिंग पर, जैसे कि आपकी पैंट ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो, आपकी पैंट बस नॉर्मल फिट हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, और आपके पैंट की हाइट आपकी शूज़ के टॉप पर टच होनी चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मल शर्ट और टी शर्ट के बारे में। देखो, स्टार्टिंग में आपके पास ये तीन कलर के शर्ट होने ही चाहिए, जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू और मरून। और अगर इसके बाद आपके पास बजट है तो आप फॉर्मल टी शर्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि पोलो नेक टी शर्ट, जिसमें शर्ट के जैसा ही कॉलर होता है, जिसे आप एक फॉर्मल आउटफिट के जैसे पहन सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके शर्ट और टी शर्ट्स प्लेन न्यूट्रल कलर वाले ही होने ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के लाइट और ब्राइट कलर्स हमारे फेस को हाईलाइट करते हैं, और इस तरह के शर्ट और टी शर्ट्स कैजुअल कैटेगरी में आते हैं, ना कि फॉर्मल। तो आपको सॉलिड न्यूट्रल एक कलर वाले शर्ट या टी शर्ट्स ही लेने चाहिए। अब बात करते हैं शूज़ और बेल्ट के बारे में। देखो, फॉर्मल शूज़ में आपको स्टार्टिंग में ब्लैक और ब्राउन फॉर्मल शू ही खरीदने चाहिए, क्योंकि फॉर्मल आउटफिट में ये दो कलर्स वाले शूज़ काफ़ी क्लासी दिखते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्मल शूज़ खरीद रहे हैं तो आप ऐसा शूज़ खरीदो जिसे आप समर विंटर दोनों सीजन में पहन सको, जैसे कि मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शूज़, ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और बेल्ट्स में आपको इस तरह के सिंपल बक्कल वाले बेल्ट्स ही लेने हैं, ना कि इस तरह के बक्कल वाले। इस तरह के बक्कल वाले बेल्ट से आपके पूरे आउटफिट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इसलिए आपको हमेशा इस तरह के प्लेन बक्कल वाले बेल्ट ही खरीदने हैं। और आपको हमेशा अपने शूज़ और बेल्ट के कलर को मैच करके ही पहनना है। आपके पास मिनिमम दो कलर्स वाले बेल्ट तो होने ही चाहिए, जैसे कि ब्लैक और ब्राउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक कलर के शूज़ पहनते हैं तो आपको उसके साथ ब्लैक कलर वाला बेल्ट ही पहनना है, क्योंकि ये एक फॉर्मल क्लोथिंग का रूल है जिसे आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, अगर आप प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट पहनना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं वॉच और एक्सेसरीज के बारे में, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसिंग की बात हो और वॉच की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि फॉर्मल आउटफिट के साथ किस तरह के एक्सेसरीज पहने, क्योंकि एक्सेसरीज के वजह से आपका पूरा आउटफिट बहुत ज़्यादा निखर कर आता है। सो वॉच में आप दो तरह के वॉचेस पहन सकते हैं, पहली है मेटल स्ट्रिप वाली वॉच और दूसरी है लेदर स्ट्रिप वाली वॉच। फॉर्मल आउटफिट के साथ ये दो तरह के वॉचेस ही अच्छे लगते हैं, एज कम्पेयर टू इस तरह के डिजिटल और स्पोर्ट वॉच के। और एक्सेसरीज में आप इस तरह का ब्रेसलेट ले सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और रिंग में आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको और ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, अगर आप सही से ड्रेसिंग कर रहे हैं, सारे फॉर्मल ड्रेसिंग रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, ये सब करने के बाद भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते जब तक आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो कि है ग्रूमिंग। चाहे आप कितना भी अच्छा ड्रेसअप कर लो, अगर आप ग्रूमिंग को फॉलो नहीं करते तो आप दिखने में बिल्कुल भी स्टाइलिश या गुड लुकिंग नहीं लगोगे। चलो, अब बात करते हैं ग्रूमिंग के बारे में, जैसे कि हेयर स्टाइल, नेल्स, बियर्ड और हमारा फेस। अगर आपको अपना फेस शेप पता नहीं है और आप कन्फ्यूज हैं कि आपको किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, तो आप इन तीनों में से कोई एक हेयर स्टाइल रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों हेयर स्टाइल सभी फेस शेप पे सूट करते हैं। अगर आपकी बियर्ड अच्छे से आती है तो आपको बहुत बड़ी बियर्ड नहीं रखनी है, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। आपको अपने बियर्ड को मीडियम लेंथ में ही रखनी है, ये देखने में काफ़ी क्लासी लगता है। और अगर आपकी बियर्ड पैचे आती है
तो आपको पैची बियर्ड रखने के बजाय क्लीन शेव रखना है, क्योंकि क्लीन शेव के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और रही बात नेल्स की, तो आपको अपने नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम और साफ करना है और इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करें। जैसे आप सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने फेस का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है, पहले नहाने के वक्त और रात को सोने से पहले, जिससे कि आपके फेस पे से सभी तरह के डस्ट और बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे। फेस वॉश के बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, जो कि आपके फेस को क्लीन और सॉफ्ट दिखाता है। और आप कभी भी बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपके फेस को टैनिंग होने से बचाता है। अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर जाते हैं तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। और आपको अपने फेस को हफ्ते में 1-2 बार स्क्रब करना है, जिसकी मदद से आपके फेस की डेड स्किन ग्लो करती है और आपके व्हाइट और ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं। आपको अपने फेस पे अप्लाई करने वाले सारे प्रोडक्ट्स अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करने हैं। अगर आप इन सारे ग्रूमिंग टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फेस भी एक मॉडल की तरह ग्लो करेगा। अगर आप इन सारे ड्रेसिंग रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी काफ़ी सेक्सी दिखेंगे फॉर्मल ड्रेसिंग में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर सिर्फ डार्क स्किन और सावली बंदों के फैशन रिलेटेड वीडियोज ही डालता रहता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।